अगर आपने अभी अभी टैटू बनवाया है या आगे आप टैटू बनवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्या होता है कि हम टैटू बनवा तो लेते हैं लेकिन उसका सही तरीके से केयर कैसे करना है वो हमें नहीं पता होता है। इस वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। जैसे टैटू बनवाने के बाद अगर सही तरीके से उसका केयर नहीं किया जाए तो उसका कलर सही तरीके से नहीं आता है। इसके अलावा जो टैटू बनता है उसके आसपास के जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे दाने होते हैं, इचिंग होने लगती है। इसके अलावा जो उसकी जो फिनिशिंग है वो चली जाती है, फैल जाता है आपका टैटू। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है आपको सही आफ्टर केयर के बारे में नहीं पता होने की वजह से होती है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपको टैटू बनवाने के बाद उसका किस तरीके से केयर करना है जिससे आपके टैटू में कभी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ तिवारी, आर्ट एंड आर्टिस्ट, टैटू स्टूडियो ओनर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आर्ट और आर्टिस्ट में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जब भी आप टैटू बनाते हैं तो आपका जो आर्टिस्ट है आपके टैटू को कुछ घंटों के लिए कवर करने के लिए बोलता है। यह समय जो है 2 से 3 घंटे हो सकते हैं। तो जब कवर आप निकाल लेते हैं उसके बाद आपको दिन में 3 बार वैसलिन लगाना है, सुबह, दोपहर और शाम को, ठीक है। तो ये वैसलिन आपको वीडियो में जो देख रहे हैं वही यूज़ करना है क्योंकि इसमें ओरिजिनल पेट्रोलियम जेल होता है। मैं सालों से अपने क्लाइंट को यही वैसलिन यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ जिसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आपको ये वैसलिन लेना है और इसको फ्रेंड्स लगाने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इसका कलर अच्छा आएगा ये सोच के बहुत ज़्यादा जो है वैसलीन लगा देते हैं। उससे होता क्या है कि आपका जो टैटू है उस पर प्रॉपर एयर नहीं पड़ पाता है और हवा नहीं पड़ने की वजह से ही आपके टैटू में प्रॉब्लम आता है। आपका टैटू जो फैल जाता है, जो फिनिशिंग उसकी चले जाती है, उसका कारण भी टैटू में प्रॉपर एयर नहीं पड़ना ही होता है। इसके अलावा हवा नहीं पड़ने की वजह से ही उसके आसपास के जो एरिया है उस पर दाने वाने आने चालू हो जाते हैं। इसीलिए आपको वैसलीन ज़्यादा नहीं लगाना है। वैसलीन लगाते समय आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है लेकिन थोड़ा सा लेके उसे पूरा जो है फैला देना है और इस तरीके से आपको जो है सुबह, दोपहर और शाम को लगाना है। इसके अलावा आपको नाइट में सोते समय जॉनसन बेबी ऑयल लगाना है। तो ये चीज़ आपको 7 दिन तक ये प्रोसेस करना है और आपको इसे धूप और पानी और डस्ट ये तीनों चीज़ों से बचा कर रखना है, ठीक है। डायरेक्ट इसमें सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए, पानी इसमें नहीं पड़ना चाहिए। पानी पड़ने की वजह से भी जो टैटू है प्रॉपर हील नहीं हो पाता है, जल्दी सूख नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप 2-3 दिन खट्टा ना खाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे सब्जी में नॉर्मल टमाटर्स वगैरह डलते हैं तो वैसे खट्टे आप खा सकते हैं लेकिन अलग से नींबू, दही ये सब ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा 6 महीने ब्लड डोनेट ना करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अगर आप कोई पोर्ट्रेट, कोई 3D टैटू बना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े टैटू हैं तो उस पर आप वैसलीन के जगह में सिल्वर एक्स ट्यूब आता है वो ले सकते हैं, ठीक है। सिल्वर एक्स ट्यूब भी आपको किसी भी मेडिकल में आसानी से मिल जाएगा। ये वैसलीन और जॉनसन बेबी ऑयल ये भी आपको मेडिकल में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो ज़रूर इसे लाइक करें। आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ जिन्हें भी टैटू बनाना है, जो भी टैटू बनवाने का सोच रहे हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।